एवरी वन वेलकम टू करण क्रंट तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू हमारे यूनिट फाइव के चैप्टर का विच इज़ यू केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूँ मैं इस पर कोर्स लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी का स्पेशलाइजेशन पार्ट जो हमारा ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है ठीक है इसका जो यूनिट सिक्स है उसकी स्कीम्स का पार्ट वन एंड पार्ट टू मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया हुआ है अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं आनो टेलीग्राम ग्रुप आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है एंड अगर आप यू या स्टेट पी एस सी की तैयारी करें सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो आपको अलग सेपरेट प्ले मिल जाएगी नितिन सांगवान सीरीज की तो वहाँ से आप वो वाला भी फॉलो कर सकते हैं फाइन ये मेरा प्रोफाइल है एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं एंड अगर आप चाहें आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जो वो कमेंट के अंदर डॉलर सेक्शन आपको मिल जाएगा हार्ट के अंदर डॉलर सेक्शन या अगर आप वॉलेंटरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आपको यूपीआईडी मेरा मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो केमिकल एनालिस करने से पहले कुछ बातें देखो मुझे काफी स्टूडेंट से बोलते हैं मतलब ये बोला मेल भी आया और कॉमेंट्स में भी लिखा था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट पोर्सन है बाकी स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए आई डू अग्री अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लिए हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि कोर साइंस कॉन्सेप्ट हैं इसमें जो आपके खासकर केमिस्ट्री के हैं जो साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं ठीक है तो इसका क्या सोल्यूशन है देखो मुझे एज़ अ टीचर मुझे पढ़ाना है मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटवा सकती ठीक है मुझे आपको पढ़ाना है कॉन्सेप्ट समझाना है तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको इसमें कम कंसेप्चुअल नॉलेज में ले जाऊँ और एंड आपको साथ साथ जो है फैक्ट्स बताती जाऊँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है अब आपको क्या करना है जो मैं हाईलाइट करती हूँ पोर्शन साथ साथ में या अगर कोई एक स्पेसिफिक टर्म है कि किसी आपको फॉर एग्जांपल ये देखना है कि मॉइस्चर डिटरमिन करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ होता है एटलीस्ट वो मेथड्स के आप नाम याद रख लो अगर आपको कॉन्सेप्टअल नॉलेज इसमें नहीं चाहिए आई टोटली अंडरस्टैंड ठीक है एंड सेकेंडली ये एक चैप्टर है आपके अ पूरे छः यूनिट्स का एक चैप्टर है सिर्फ तो अगर आपको इसमें उतना समझ में नहीं आ रहा तो आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हाँ एटलीस्ट बेयर मिनिमम आप क्या कर सकते हो जैसे आप पढ़ रहे हो मोह से डिटर्मिन करने का क्या टेक्निक्स है तो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एटलीस्ट जैसे हमने के मेथड पढ़ा ठीक है या इसके कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स हैं ऐसे करके आप एटलीस्ट जो फैक्चुअल नॉलेज है इसकी जो सिर्फ आपको याद करनी है उसका आपको कोई और ऑप्शन नहीं हो तो आपको याद ही करनी है तो फैक्चुअल नॉलेज के आप शॉर्ट नोट्स जो है अपनी जगह बना सकते हो अगर कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है आई वुड सजेस्ट की लीव क्योंकि आपको साइंस में आके मेजर्स नहीं करना है हैव टू पास दिस एग्जाम वो आपका मेन गोल है बट एज अ टीचर मुझे कहीं कहीं आपको कंसेप्ट समझाने पढ़ेंगे क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ़ वो ऑडियंस नहीं है जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की है वो वो ऑडियंस भी है जो सिर्फ फैक्ट्स नहीं याद कर सकती वो वो ऑडियंस भी है जिनको साइंस समझ में उतनी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो वाइड है लेकिन गोल आपका जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कंसेपचुअल पार्ट को यू कैन लीव दैट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी क्या क्या फैक्ट्स सेंस इसमें जो आप एटलीस्ट बेयर मिनिमम जो है दैट मीन्स कम से कम वो फैक्ट्स करोगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए फाइन तो देखते हैं आज कहा से पढ़ना है केमिकल एनालिसिस ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन कुछ कॉमन मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले हमने देखा अप्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम क्या करेंगे किस किस फूड हमें पहले बेसिक कॉम्पोनेट ऑफ फूड देखने हैं फाइन मॉइस्चर प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट फाइबर एश कंटेंट फिर हमें देखना है कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं ये चीजें डिटरमिन करने के लिए तो ये सारे जो नाम है आप कहीं ना कहीं मेरे स्लाइड्स में देख लोगे पहले हमने मॉइस्चर स्टार्ट किया तो मॉइस्चर के हमने डायरेक्ट मेथड्स देखे इनडायरेक्ट मेथड्स देखे हमने इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कल फिशर मेथड अब देखो जिसको प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी में फाइन तो उसके लिए मैं आपको बताऊं देखो क्या आप याद रखो एटलीस्ट जो मैंने कहा मिनिमम चीज़ आप याद रखो जैसे कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड तो उसमें आप देखोगे तो मेथड अप्रूव हुआ है फॉर किन किन चीज़ों के लिए ड्राइड वेजिटेबल ऑयल्स फैट्स कोको प्रोडक्ट्स लिक्विड मिलास ठीक है आपको नहीं रखना पूरा याद ये के एफ टी मेथड क्या है नहीं रखो याद फाइन इतना याद रखो ये किसके लिए यूज होता है मॉइस्चर एनालिसिस के लिए अगर एग्जाम्पे ऐसे आ गया के एफ टी मेथड आपको मॉइस्चर डिटेक्ट करके देता है या आपको फैट डिटे डिटेक्ट करके देता है एश कंटेंट डिटेक्ट करके देता है या मिनरल डिटेक्ट करके देता है एटलीस्ट यू शुड भी एबल टू आंसर कि ये मॉइस्चर एनालिसिस के लिए यूज होता है एंड ये इनडायरेक्ट मेथड है ठीक है तो इतनी चीज आप देख सकोगे ना ये फिशर मेथड हो गया आपका एंड हम टाइट्रेशन uh, कैसे डिटरमिन करते हैं या उसके कॉलोमेट्रिक टाइट्रेशन से या पोटेंशियोमीटर से जो मैंने आपको कल बताया था तो ऐसे ऐसे की पॉइंट्स पकड़ लो एटलीस्ट कॉमन सेंस बेसिस पे मेरे कंसेप्चुअल जो मैं आपको बता रही हूँ एंड साथ में फैक्चुअल नॉलेज भी आपको दे रही हूँ तो उस अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करो फैक्चुअल नॉलेज निकालो अपने नोट्स में लिखो दैट्स इट बस क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर की बात है एंड आपने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं आपके पर यूनिट में फाइव यूनिट्स में मिनिमम फोर फाइव सिक्स चैप्टर्स है दैट मीन्स ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव थर्टी चैप्टर्स आप पढ़ोगे एक्सक्लूडिंग योर स्कीम्स पोर्शन तो थर्टी चैप्टर्स में एक ही ऐसा चैप्टर है जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ साइंस क्योंकि कोर साइंस केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट इसमें है ठीक है तो फैक्चुअल नॉलेज आप इसमें आराम से पढ़ सकते हो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वैसे ही इनडायरेक्ट मैथोडिक रिफ्रो रिफ्रोमैट्री भी होता है रिफ्रैक्टोमैट्री ये क्या होता है बेस्ड करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने रिफ्लेक्शन सुना होगा वैसे उसका दूसरा भाई समझो रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन क्या होता है पानी का ग्लास ले लो उसमें आप लाइट डालो ठीक है तो वो जब लाइट यहाँ से आएगी आप ऐसे करके लाइट डालो उसमें तो लाइट जब आएगी ना तो उसकी शैडो सीधे ऐसे आपको नहीं दिखेगी वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे घूम के दिखेगी ठीक है वो रिफ्रैक्ट उसको करना बोलते हैं रिफ्लेक्ट तो आपको पता है क्या होता है ठीक है जो रिफ्लेक्ट बैक आपके पास करेगा रिफ्रैक्ट उसके अंदर पास करेगा लेकिन थोड़ा घूम के आएगा तो यहाँ पे क्या मीडियम प्रेजेंट है एयर यहाँ पे क्या है ग्लास के अंदर वाटर तो जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो लाइट डाल रहे हो वो थोड़ा सा आपको ऐसे घूम के मिलेगी ठीक है वो आपका रिफ्रैक्शन होता है इस एग्जाम्पल से देख लो यहाँ पे इंसिडेंट रे है जो आपने टॉर्च डाली लाइट इस पर पानी के ग्लास पे तो वो सीधे ऐसे पास नहीं हो रही है वो थोड़ा यहाँ पे आपको एंगल उसको में घूम के मिलेगा थोड़ा सा तो ये वाला जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं वो जो ये वाला एंगल ये बनाएगा जो थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट हो जाएगा पानी के अंदर उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं अब हमारा काम क्या है देखना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ये रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय द रे ऑफ एयर टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन तो क्या है आपका ये जो of of है ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड ये साइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है फॉर एग्जाम्पल तो जो, मतलब जो चीज जितनी डेंस होगी उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा ठीक है ज्यादा डेंस होने का मतलब क्या है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा फाइन अगर आप ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट जिसमें ज्यादा पानी होगा वो वाली चीज में आप लाइट डालो वो उतनी ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होगी लेकिन अगर जो डेंस मीडियम है थोड़ा सा उसमें आप लाइट डालो जिसका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा ये आपको यहां से ये चीज याद रखनी है तो क्या आप इसमें याद रखोगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया ब्रिक्स स्केल यूज करते हैं दिस इज ब्रिक्स स्केल इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सोल्यूशन तो इसके लिए हम कौन सा मेजरमेंट यूज करेंगे स्केल ब्रिक्स वो ब्रिक्स नाम याद रख लो ठीक है बाय मेजरिंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सल्यूशन द मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम डिटर्मिन कर सकते हैं बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएशन कैलिब्रेशन करव है ना दरअसल ये कुछ भी नहीं है ये एक चार्ट है जो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है साइंटिस्ट ने ताकि कैलकुलेशन जो ईजी हो जाए तो उनको पता होगा अगर हमारे पास एक्स डिग्री कुछ ये आया रिफ्रैक्शन आया इतना दैट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट इस क्वांटिटी का होगा तो इनके पास ये चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है ठीक है अब आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले जाओ इनके पास फ्रूट प्रोडक्ट्स ले जाओ ठीक है सिरप हनी कुछ भी ले जाओ और आपको उसका कंटेंट निकालना होगा उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, है तो आप क्या करोगे वो निकालोगे बाद में आपके पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप टैली करोगे अपने चार्ट से और आपके पास एक रेडीमेड जो है डेटा प्रेजेंट है प्रेजेंट होगा आपको बताने के लिए इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होगा ठीक है अब क्या क्या इसमें आपने की पॉइंट्स देखे एक तो रिफेक्टिव मैक, रिफ्र, रिफ्रेक्टोमेट्री एक तो इसमें आप ये देखोगे इसका इंडेक्स वगैरह देख लोगे ठीक है एंड देन ब्रिक्स स्केल यूज होती है और ये हम यूज़ करते हैं हाई शुगर प्रोडक्ट्स के लिए लाइक योर फ्रूट प्रोडक्ट्स सिरप्स एंड हनी ठीक है उनके लिए यूज करते हैं अब अगर सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड होंगे तो हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा होमोजिनाइज uh, करने की कोशिश करेंगे मतलब उसको हम एक सॉल्वेंट में डालेंगे थोड़ा सा वो एटलीस्ट उतना बन जाए कि उसमें से कुछ आप लाइट रिफ्लेक्ट कर सको है ना क्योंकि आपको मेजर तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही करना है तो उसके लिए हम उसको ट्रीट करेंगे एक एनहाइड्रस सॉल्वेंट दैट मींस वाटरलेस सॉल्वेंट में उसको थोड़ा मिलाने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल आइसोप्रोपेनॉल ठीक है ये अगर याद नहीं भी रखना है तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा एटलीस्ट इतना याद रखो रिफ्लेक्टिव मैट्री में कि हाई शुगर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होगा हाई शुगर प्रोडक्ट्स जैसे आपके फ्रूट प्रोडक्ट सिरप हनी वगैरह ठीक है रिफ्रैक्शन क्या होता है वो बेसिक पता होना चाहिए डायग्राम फिर केमिकल डाइसेक्शन मेथड इसमें हम क्या करते हैं सीधे केमिकल यूज करते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए जो भी हमारे पास सैंपल है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैम होगा या कोई भी और मीट का सैंपल ले लो उस पर आप केमिकल डालोगे वो मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा ठीक है फिर हम वहां से देखेंगे उस केमिकल ने कितना एब्जॉर्ब किया वहां से हम डिटर्मिन करेंगे कि उसमें कितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उस प्रोडक्ट में तो उसके लिए जो केमिकल आप यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल उस क्या क्या नाम है कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं उसकी और भी होंगी हो सकता है एग्जाम में आपको केमिकल का नाम यही आ जाए तो आपके लिए अच्छी बात होगी ये याद करना तो केमिकल डाइसेक्शन में केमिकल यूज करेंगे केमिकल्स फॉर एग्जाम्पल आपका कैल्शियम क्लोराइड एंड आपका सिलिका जेल ठीक है हो गया थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस टीजीए टेक्निक अभी हम इनडायरेक्ट टेक्निक्स ही पढ़ रहे हैं ये टेक्निक है जो एनालाइज करती है चेंजेस इन द मास सैंपल ऑफ फ़ंक्शन ऑफ़ टेम्परेचर और टाइम दैट मीन्स टाइम और टेम्परेचर को लेके देखते हैं जो हमारे पास सैंपल है उसमें कितनी चेंजेस आई हैं तो आप क्या करोगे आपके पास जो भी सैंपल है उसको एक कंटेनर में डालोगे पहले उसको वेट करोगे उसको एक कंटेनर में डालोगे उसका वेट करने के बाद वो कंटेनर टिपिकली अल्यूमिनिया या प्लेटिनम का बना होगा ठीक है उतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर उसको हीट करोगे ठीक है एक कंट्रोल्ड रेट में दैट मींस एक रूम टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर मीनस आपको टेम्परेचर की नॉलेज होनी चाहिए किस टेम्परेचर पे आप उसको हीट कर रहे हो जैसे आप उस सैंपल को हीट करोगे उसके मास में कुछ चेंजेस आएंगी पहले डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगी उसकी इवेपोरेशन होगी वहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडाइज करेगा या वो रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो ये जो मेजरमेंट्स है फाइनली जो आपके पास मास सैंपल बच जाएगा डेटा उससे आपको पता चलेगा जैसे ही जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया क्या क्या चेंजेस आई तो आपको कंपोनेंट की चेंजेस पता चलेंगे कि डिकम्पोजिशन किस टेम्परेचर पे होना शुरू हो गया इवेपोरेट किस टेम्परेचर पे होना शुरू हो गया ठीक है तो ये हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये भी हमें किस लिए यूज होता है मॉइस्चर के लिए तो इससे हमें क्या क्या, -क्या पता चल गया थर्मल स्टेबिलिटी उस कॉम्पोनेंट की सैंपल की थर्मल स्टेबिलिटी क्या है थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है कि जब आप किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करो उसकी कितनी रेजिस्टेंस है दैट मीन्स तब तक वो उस टेम्परेचर में अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख सकता है फॉर एग्जांपल आपने 50 डिग्री सेल्सियस किया क्या तब भी उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा उस सैंपल का या उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगी तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पहले आपके सैंपल की आपको थर्मल स्टेबिलिटी पता चलेगी आपको पता चलेगा कितना जब वो इवेप्रेट हो गया तो कितना उसमें से मॉइस्चर कंटेंट निकला तो वहां से आप अपना मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिन कर सकते हो एंड अब कॉम्पोजिशन डिटर्मिन कर सकते हो क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने जब उसको टेम्परेचर एक्सटेंड किया किस किस टाइम पे उसमें फिर मास में चेंजेस आने लगी जब वो डिकम्पोज हो जाएगा तो मास में उसके वेट में मास में कुछ चेंजेस आएंगी ठीक है इवेपरेशन जब करेगा तो मास में कुछ चेंजेस आएंगी आगे के जब रिडर... आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाएगी तब भी मास में कुछ change, उसके मास में कुछ चेंजेस आएंगी तो आप उसका आपको उसका कंपोजिशन का पता चलेगा आपको उसके मॉइस्चर कंटेंट का पता चलेगा आपको उसकी थर्मल स्टेबिलिटी का पता चलेगा ये हमें किससे पता चलता है थर्मोग्रामोमेट्रिक एनालिसिस टीजीए मेथड जो यूज होता है मॉइस्चर डिटेक्ट करने के लिए और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है फिर आगे आपका गैस क्रोमोटोग्राफी गैस क्रोमोटोग्राफी में क्या होता है कोई ऐसी ऐसी मशीन होगी आपको जो भी सैंपल जरूरत है जिसको आपको मॉइस्चर कंटेंट या बाकी उसके कॉम्पोनेट देखने हैं तो वो यहाँ से इंजेक्ट करोगे अगर वो गैसवेस फॉर्म में है तो उसको यहाँ पे पहले कन्वर्ट करोगे फिर इस कॉलम से उसको निकालोगे ठीक है हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम की आपने क्या किया परफ्यूम को यहाँ पे इंजेक्ट किया वो यहाँ से ट्रैवल हो जाएगा ठीक है अब वो परफ्यूम यहाँ से ट्रैवल हो रहा है एंड ये जो कॉलम है इसका अपना कोई मटेरियल होगा ना इसको अपनी कोई लेयरिंग हुई होगी अंदर से आपको केमिकल्स में नहीं जाना कौन सा मटेरियल होगा बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ तो जब यहाँ से वो ट्रैवल करेगा परफ्यूम तो परफ्यूम में डिफरेंट कॉम्पोनेट्स होंगे ना उसके अरोमा के लिए अलग होते हैं वो मिक्सचर बनाने के लिए अलग होते हैं कुछ अलग केमिकल जूस हुए होते हैं तो जो डिफरेंट कॉम्पोनेट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करेंगे कोई यहीं पर चिपक जाएगा कोई यहाँ पे चिपकेगा ठीक है कोई यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग हमें उसको सेपरेट करने का मौका मिलेगा इस ओवन में ठीक है बाद में उसको यहाँ पे डिटेक्टर से निकाला जाएगा और ये सारा हम एक ग्राफ, एक ग्राफ के थ्रू कंप्यूटर एनालिसिस या डेटा एनालिसिस चेक कर सकते हैं ये होता है आपका ग्रास क्रोमोटोग्राफी में अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा एक पावरफुल टेक्निक है फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स लाइक परफ्यूम तो मैंने आपको बोला कैसे सेपरेशन यहाँ पे होगी और वैसे आप एनालाइज भी कर सकते हो कि कौन सा कॉम्पोनेंट कहाँ पे सेपरेट हो गया कोई पहले ही सेपरेट हो गया दैट मीनस उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो सारी चीज आप यहाँ पे देखोगे ठीक है इट अलाउज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्पोनेट्स आपको पता चलेगा कि उसमें कौन कौन सा इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट है ऑन द बेस ऑफ द यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिटेंशन टाइम्स क्योंकि रिटेंशन टाइम्स मतलब आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन सा कॉम्पोनेंट है क्योंकि कौन सा कॉम्पोनेंट आगे कितनी टाइम में ट्रैवल करता है कौन सा कंपोनेंट रिटेन हो जाता है दैट मींस कितना टाइम लगता है उसको किसी एक जगह चिपक गया कोई कोई आगे निकल गया ठीक है उसको उसका रिटेंशन टाइम बोलेंगे कितना टाइम उसने इस कॉलम में स्पेंड किया वो किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे होगा ना किसी में कोई प्रॉपर्टी होगी किसी चीज में कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो वहां से आप उसका क्या निकाल सकते हो अपने कॉम्पोनेंट की प्रॉपर्टीज देख सकते हो क्या है तो इसके लिए हम यूज करते हैं गैस क्रोमोटोग्राफी इट्स कॉम्पोनेंट्स इट अलाउज फॉर द आडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल कम्पोनेट्स बेस्ड ऑन दियर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिटेंशन टाइम्स इसको हम यूज कर सकते हैं एसेस करने के लिए जो वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं फूड में ठीक है वॉलेटाइल जो जल्दी इवेपरेट हो जाते हैं ना जिसको हम यहाँ से इंजेक्ट करेंगे वो जल्दी इवेपरेट होकर यहाँ से ट्रैवल करेंगे फिर कितने टाइम में ट्रेवल करेंगे उसका कौन सा कॉम्पोनेंट पहले रुक जाएगा कौन जल्दी ज्यादा रिटेन करेगा बीच में कौन आगे ट्रैवल करेगा उस बेसिस पे आप उसको डिटरमिन कर सकते हो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे तो ये था आपका गैस क्रोमोटोग्राफी तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके डायरेक्ट मेथड्स मैंने शायद पीछे गलत बोला था इनडायरेक्ट मेथड या आपके डायरेक्ट मेथड्स का पार्ट है ठीक है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है इतना आप खुद ही समझ लो डायरेक्ट मेथड्स में हमने ओवन ड्राइंग देख लिया डिस्टिलेशन मेथड कार्ल फिशर मेथड केमिकल डेसिकेशन थर्मोग्राफी मेट्रिक एनालिस एंड गैस क्रोमोटोग्राफी अब इनडायरेक्ट मेथड्स में हम ये सारे देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे हमें ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना है ठीक तो ये आपके आगे इनडायरेक्ट देखते हैं इन्फारेड एबजॉर्प्शन में क्या होगा आप इन्फरेड जो है वो रिफ्लेक्ट करोगे सैम्पल पे और जैसे एबजॉर्प्शन जिस वेव लेंथ पे होगी उसको आप मेजर करोगे तो वहां से आप उनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो तो इन्फारेड एबजॉर्प्शन एंड नियर इन्फ्रारेड रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है इसमें आप नियर इन्फ्रारेड जो है रिफ्लेक्टेंस वो देखोगे दैट मीन नियर इन्फ्रारेड लाइट का देखोगे एंड इसमें आप इन्फ्रारेड का देखोगे ये दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है इसमें अलग अलग लाइट्स होती हैं ये उसके अलग अलग पार्ट्स में आते हैं मतलब अलग अलग वेव में ये डिटेक्ट होते हैं ठीक है तो ऑन द बेस ऑफ देयर वेव वो किस वेव लिंक पे एब्जॉर्ब होता है उस मीट में वहां से आप क्या कर सकते हो साइंटिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या मॉलिक्यूल सैम्पल्स में प्रेजेंट है ठीक है तो ये किन के लिए यूज होता है इसमें आप ये इतना याद रख लो ये किसके लिए यूज होता है अगेन आपके मॉइस्चर के लिए एंड ये पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट मेथड है नेक्स्ट इज वाटर एक्टिविटी देखो वाटर एक्टिविटी ये नहीं होता है, कि कितना है आपके फूड सैंपल में ठीक है ये आपको बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है दैट मींस आप थोड़ा सा उसको हीट करो एंड वो वाटर जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दे तो वो डिस्क्राइब करता है एनर्जी स्टेटस ऑफ द वॉटर इन द फूड उसको अगर आप डिफाइन करना चाहो इसको आप बोलो वेपर प्रेशर जो आपका वाटर है इन अ सैंपल दैट मीनस अगर आप मीट का सैंपल लेते हो या कोई भी सैंपल ले लो मीट छोड़ो आप कोई भी एक्सैंपल ले, ले लोगे जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा ठीक है उसका जो वेपर प्रेशर है डिवाइडेड बाय जो वेपर प्रेशर होता है एक प्योर वाटर का एट द सेम टेम्परेचर ठीक है उनका जो रेशियो है वो आपका क्या होगा वाटर एक्टिविटी इसमें हम जाम के एग्जाम्पल लेके भी बोल सकते हैं जोरी ना हर जगह मीट की एग्जाम्पल लो क्योंकि काफी वेजिटेरियन लोग भी देख रहे होंगे तो आई थिंक उनके लिए अच्छा नहीं होगा बार बार ही सुनना तो वाटर एक्टिविटी है इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ सैंपल ऑन बट ओनली बाई दैट फ्रैक्शन विच इज लीस्ट टाइटली बाउंड ठीक है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है सैम्पल में उससे भी वाटर एक्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो वाला फ्रैक्शन जो आपके लिए ईजिली अवेलेबल है ठीक है जो आप इजिली उसमें से निकाल सकते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर एक्टिविटी पर भी फर्क पड़ जाता है फॉर एग्जाम्पल जैम की बॉटल है आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो तो मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता वाटर मॉलिक्यूल्स जो है छोड़ना शुरू करेगा सॉलिबिलिटी उसकी चेंज हो जाएगी जब आधा वॉटर निकलेगा तो आपके पीछे क्या रह जाएगा थोड़ा सॉलिड जो जैम है वो रहना शुरू हो जाएगा ठीक है तो सॉलिबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा एंड स्टेटस ऑफ दी सैंपल मैट्रिक्स दैट मींस उसका जो कॉम्पोजिशन है स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा चेंज होने लगेगा तो टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है वाटर बाइंडिंग की चेंजेस पे सॉलिबिलिटी पे सोल्यूशन की एंड आपके सैम्पल मेट्रिक जो होगा उसके स्टेटस पे भी द वाटर एक्टिविटी कंट्रोल्स ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ बाय लेंथनिंग द फ्लैग फेज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ अब ये हमें अगर पता चल जाए कि जो वाटर है उस सैंपल का किसी भी सैंपल का कितनी जल्दी वो अवेलेबल होगा तो हमें ये डिटरमिन कर सकते हैं कि उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको हम कितना डिले कर सकते हैं जिस सैंपल ऑफ फूड का वाटर जल्दी अवेलेबल नहीं होगा दैट मीन्स वो जल्दी पानी छोड़ना नहीं शुरू करेगा उसकी जो माइक्रोबेल ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा लेट हो जाएगी ये चीज़ साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं ठीक है ताकि वो जो ये है शेल्फ लाइफ फूड प्रोडक्ट्स की वो बढ़ा सके इसके लिए वो हाइग्रोमीटर्स यूज करते हैं मेजर करने के लिए वाटर एक्टिविटी को जिसकी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख लेना इन समरी आप बोल सकते हो वाटर एक्टिविटी जो है प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी इफेक्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को एंड वाइड रेंज ऑफ केमिकल रिएक्शंस को इन द फूड बाय मेजरिंग द वाटर एक्टिविटी फूड प्रोड्यूसर्स जो है वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं क्वालिटी एंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट्स फिर हो गया हमारा मॉइस्चर खत्म नेक्स्ट इज प्रोटीन देखो अब आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी एटलीस्ट मेथड्स के आपको नाम याद रखने हैं प्रोटीन देखने के लिए हम ये देखते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कि हमारा क्रूड जो ये है टोटल नाइट्रोजन जो है कितना है हमारे उस सैंपल में ठीक है तो यहां पे देख लो द क्वांटिफिकेशन ऑफ टोटल प्रोटीन इन फूड एंड फूड प्रोडक्ट कैन भी परफॉर्म डायरेक्टली या तो डायरेक्टली आप मेजर करोगे कितना प्रोटीन है या डिटर्मिन करो कि नाइट्रोजन कितना है कन्वर्ट करके फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ क्रूड प्रोटीन यूजिंग सुटेबल कन्वर्जन फैक्टर दैट मीन्स आपका जो सैंपल है अगर उसमें से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं मेजर कर सकोगे तो उसमें देखो कितना आपके पास नाइट्रोजन अवेलेबल है वहां से आप अपना प्रोटीन मेजर कर सकते हो तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद करने के लिए अगर एग्जाम्पल में ऐसा आ जाता है कौन सा आपको क्या देखना है प्रोटीन मेजर करने के लिए वहां पर नाइट्रोजन लिखाओ होगा कुछ और, और लिखा होगा तो उसमें आप नाइट्रोजन सिलेक्ट कर सकते हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं जेल-डेल मेथड और डिमास प्रेगल डिमास मेथड ठीक है वो हम यहाँ पे थोड़ा वो देख लेंगे वो मेथड क्या होता है और भी कुछ मेथड्स हैं हमें सारे मेथड्स डिटेल में डिस्कस नहीं करने हैं आप चाहो तो नाम इनके याद रख सकते हो फिर डायरेक्ट मेथड इसके भी और कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं डायरेक्ट मेथड हो गया पहले फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड देखो टाइट्रेशन जहाँ भी देखो ना टाइट्रेशन में हम दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं दो सोल्यूशंस को तब तक जब तक हमारा कोई डिजायर्ड रिएक्शन जैसे कलर चेंज वगैरह जैसे हमें वो डिटर्मिन ना हो कि हमने डिजायर जो किया था इन दो के केमिकल्स के मिलाने से वो अचीव किया है कि नहीं फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है हम फॉर्मल डिहाइड लेते हैं केमिकल है ठीक है इज एडेड टू द न्यूट्रलाइज्ड एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग प्रोटीन दैट मींस इस केमिकल को आप में डालोगे जिसमें प्रोटीन होगा तो वो क्या करेगा? Dehyde, उस के को करेगा, में, और एक करेगा वहां से फिर उसको हम टाइट्रेट करेंगे फाइन और उन कितने रिलीज हुए हैं वो हमें बताएगा कितना प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट है तो फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड इन शॉर्ट क्या होता है एक सोल्यूशन है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में आपने केमिकल डाला जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल रिहाइट ठीक है वो आपका एक केमिकल है उसमें डाला जब आप उसमें डालोगे तो प्रोटीन में जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है अमाइनो एसिड वो कन्वर्ट हो जाता है मिथिलीन अमाइनो ग्रुप में ठीक है और जब यह कन्वर्जन हो जाएगी और एक चीज होती है उसमें एक प्रोटॉन रिलीज होता है फिर आपको देखने कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिलीज होंगे वो वो आपको बताएगा कितना प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है Fine. अब वो आप कैसे देखोगे रिलीज ऑफ प्रोटॉन कितना प्रोटॉन रिलीज हुआ है आप उसको टाइट्रेट करोगे टाइट्रेट का मतलब है आपको एक सोल्यूशन लोगे और जिस सोल्यूशन में प्रोटॉन रिलीज हुआ है उसमें वो ऐड करोगे देन कलर चेंज से आप डिटेक्ट करोगे कब वो आपस में रिएक्ट करेंगे वहां से आपको पता चल सकता है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिलीज हुए होंगे तो फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड में आप क्या याद रख सकते हो इसका बेसिक फंडा क्या है ये आपके देखता है प्रोटॉन्स रिलीज हुए है, हैं एंड कितने प्रोटॉन्स जो है वो रिलीज हुए हैं वो आपको बताएगा उसमें कितना प्रोटीन है सिंपल तो छोटी छोटी चीजें जो है फैक्ट्स ये आप हर चीज में याद रख लो देखो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड क्या होता है द लोरी मेथड लोरी और कोई भी जिससे आप डिटेक्ट कर सको कंसेंट्रेशन प्रोटीन कितना है सोल्यूशन में ठीक है इसमें बाईय रिएक्शन यूज होती है बाईय रिएक्शन होता है आप प्रोटीन कैसे डिटर्मिन करते हो प्रोटीन सोल्यूशन को आप इंटरैक्ट करवाते हो कॉपर आयंस के साथ तो वो करोगे तो कॉपर अलग होके उसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है ठीक है तो ऐसा एक सोल्यूशन बनाओगे उसमें आप डालते हो फॉल इन फिनॉल रिएजन जो अगेन एक सोल्यूशन है जिसमें कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल योर फॉस्फो मोलिबिक एंड फोसफोटाक्स्टिक एसिड ठीक है जब ये एसिड डालोगे इसमें तो जो प्रोटीन में कुछ चीजें हैं जैसे एंड ट्रिप्टोफैन वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे फाइन एंड इनका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर जितना तो टाइम हमें लगता है वो ब्लू कलर होने में इन दो सोल्यूशन का ठीक है और उससे पता चलता है कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होगा एंड किस इंटेंसिटी का कलर है उससे आप उस जो सोल्यूशन है उसका पीएच लेवल देख सकते हो अब ये डायरेक्ट मेथड से प्रोटीन डिटरमिन करने के कौन कौन से हमने पढ़े फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड प्रोटोन वाला है ये याद रख लेना अमाइनो ग्रुप मिथाइल अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट होता है एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है इसमें हमने क्या किया फॉल इनफिनॉल रिएजेंट यूज किया जिसमें कुछ एसिड्स थे उन्हें रिएक्ट किया आपके एंड ट्रिप्टोफैन के साथ एंड वो ब्लू हो गए ठीक है उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट मेथड है आपके जेल डेल मेथड है ये भी लंबा मेथड है जिसको इतना कॉन्सेप्ट नहीं समझना वो ना समझे आप इसमें कौन कौन से फैक्ट्स है मैं बताऊंगी इसमें डाइजेशन होती है डिस्टिलेशन होती है टाइट्रेशन होती है बेसिकली इसमें क्या आप करते हो जो भी आपका सैंपल है उसको आप हीट करोगे ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वो जो सल्यूशन है वो किसमें उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपको मिलेगा वहां से अमोनियम सल्फेट सल्यूशन ये मिल गया आपको अब आपकी डाइजेशन हो गई उस सैंपल की मतलब डिकम्पोजिशन हो रही है ठीक है एंड सेकेंड आपका काम है डिस्टिलेशन उसमें आपको क्या करना है आपको अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन से अमोनिया गैस निकालना है अमोनिया गैस आप क्या करोगे अमोनियम सल्फेट को कन्वर्ट करोगे गैसेस अमोनिया में वो आप कैसे करते हो आप एक बेस सोल्यूशन उसमें ऐड करते हो बेस सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम uh, हाइड्रोक्साइड NaOH ए सोडियम हाइड्रोक्साइड अब देखो हमारे पास सोल्यूशन बेस होते हैं या एसिडिक होते हैं या बेस होंगे या एसिटिक होंगे ठीक तो हो? है तो बेस सोल्यूशन क्या एसिडिक होते हैं जिनका पीएच सेवन से कम होता है बेस होते हैं जिनका पीएच क्या होता है सेवन से ज्यादा होता है ठीक है और बेस सोल्यूशन कौन से होते हैं आपके जिनका थोड़ा वो स्लिपरी एंड सोपी टेक्सचर जैसा होता है अगर आप सीधे याद रखना चाहो अगर जैसे सोपी वाटर हो गया बेकिंग सोडा को वाटर में डालो वो बेस सोल्यूशन होता है एसिडिक सोल्यूशन होते हैं जो थोड़ा सार टेस्ट के होते हैं खट्टे विनेगर सल्यूशन या लेमन जूस वो एसिडिक होते हैं अब अगर आप उनको न्यूट्रलाइज करना है फॉर एग्जाम्पल एसिडिक सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें क्या करो आप उसमें बेस जो है बेस सोल्यूशन जो बेसिक वाला होगा वो उसमें डालो थोड़ा जैसे बेकिंग सोडा का सोल्यूशन आप लेमन uh, जूस में डालो तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा न्यूट्रलाइज होता है तो वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है इस अमोनिया हमें अमोनियम सल्फेट से अमोनियम गैस चाहिए उसमें हम थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू कर देते हैं उसको बाद में बॉइल करते हैं बॉइल करने के बाद क्या इवेपोरेशन हो जाएगी फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस से हम वहां से

अपने सैंपल को हमने डिकम्पोज किया था ऑर्गेनिक मैटर में उसको हीट किया था इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वहां से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था उस सल्फ्यूरिक एसिड से हमने अभी तक क्या किया अमोनियम गैस को बाहर निकाला अब जो लेफ्ट ओवर आपके पास बच गया सल्फ्यूरिक एसिड उसमें आप क्या करोगे उसका हमें वो अब हमारे काम आएगा उसको हम क्या करेंगे द रिमेनिंग जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है जिसने अभी तक रिएक्ट नहीं किया अमोनियम गैस बनाने के लिए उसमें हम क्या करेंगे द रिमेनिंग एसिड देन कैन बी बैक टाइटरेटेड और टाइटरेटेड विद्रेंस बेस सोल्यूशन यूजअली एन एच फिर से उसको हम क्या करेंगे बेस में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएंगे फिर हम देखेंगे कितना सोल्यूशन हमें यूज होता है कितना अमोनिया यूज होता है उस लेफ्ट ओवर हाइड सल्फ्योरिक एसिड को बेस में कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेसिक सोल्यूशन उसमें एड करके जितना उसमें वो वाला कंज्यूम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएच उस हमारे लेफ्ट ओवर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां से हमें पता चलेगा वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड और वहां से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कितना जो है उसमें नाइट्रोजन था एंड कितना हमारा प्रोटीन था अमोनिया प्रोड्यूस्ड ठीक है और हम कैलकुलेट करेंगे अमोनिया को डिटरमिन करने के लिए हमारा उसमें कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट था ठीक है तो जब इसकी टाइट्रेशन करेंगे तो याद रख लेना इसमें कलर मिथाइल मिथाइल रेड एंड मिथाइलिन ब्लू ये दो कलर इसमें आते हैं तो अगर जिसके सर के ऊपर से ये गया तो आप टेंशन नहीं लो आप ये याद रख लो इसमें आप डिकम्पोज करवाते हो इसको ठीक है अगर ये सारा प्रोसेस आप नहीं भी याद रखो आप इसमें इतना याद रखो डिकम्पोजेशन हो गई या डाइजेशन हो गई डिस्टिलेशन हुई एंड टाइट्रेशन हुई टाइट्रेशन के लिए कलर देख लो मिथाइल रेड एंड मिथाइलिन ब्लू इनडायरेक्ट मेथड है प्रोटीन के लिए यूज होता है ठीक है बस इतना याद रख लो इसमें नेक्स्ट इज डमास कम्बशन मेथड इसमें क्या होता है बेसिकली हम इसमें जो भी हमारा सैम्पल है उसको हीट करते हैं हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसमें हमें क्या मिलता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ठीक है हीट करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को हम बाद में चेंज करते हैं कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में कैसे उसको हम यूज करते हैं उसके लिए कॉपर एंड टंगस्टन अब हमें इतना डिटेल में नहीं जाना वो कौन सी रिएक्शन है कॉपर टंगस्टन यूज करके उसको नाइट्रोजन गैस में हम कन्वर्ट करते हैं फिर उसको मेजर करेंगे बाई यूजिंग ऑफ जो हमने क्रोमोटोग्राफ पढ़ा था अभी गैस क्रोमोटोग्राफ जो पीछे पड़ा था ठीक है वहां से हमें पता चलेगा नाइट्रोजन कितना है एंड वहां से हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसका प्रोटीन अमाउंट तो ये जो मेथड है इसके एडवांटेज है और जेल डेल मेथड जैसे हमने जेल डेल में देखा था लंबा प्रोसीजर है ये कम टाइम लेता है लेकिन इनकी लिमिटेड यूजफुलनेस है क्योंकि ये सिर्फ लेस अमाउंट ऑफ सैंपल के लिए काम कर सकता है अगर लार्ज सैंपल होगा उसके लिए काम नहीं करेगा तो प्रोटीन्स हो गया मॉइस्चर uh, हो गया फैट्स दिखते हैं फैट्स आपके दो तरीके के होते हैं एक आपके फ्री फैट्स होते हैं और आपके बाउंड फैट्स होते हैं फ्री फैट होते हैं जो आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी चीज में ठीक है उनके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कम होते हैं एंड जो बाउंड फैट होते हैं जैसे कोई फैट्स uh, आपके बाकी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए हैं काबोर सारे हाइड्रेट से जुड़े हुए हैं उनको निकालना आसान नहीं होता है ठीक है तो फ्री फैट जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय लेस पोलर सॉल्वेंट्स अब देखो लेस पोलर सॉल्वेंट क्या होता है ये वो होता है जिनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती है फॉर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फॉर इलेक्ट्रिकली मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आप अभी कंफ्यूज नहीं हो जाना फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वॉटर है वॉटर में आप सॉल्ट डालोगे वो इजिली डिजोल्व हो जाएगा तो जो वॉटर है हमारा वो लेस पोलर सोल्वेंट जो है वो कंसिडर नहीं होता है वॉटर हमारा अच्छा खासा सॉल्ट को डिजोल्व कर लेता है वो हमारा पोलर सोलवेंट होता है ठीक है आप वाटर में सॉल्ट डालते हो सॉल्ट आपको पता है एन ए सी एल ये बेसिक है ये आई होप सबको पता हो ठीक है अब वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है दैट मीन्स उसकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है फॉर द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जब आप वाटर डालोगे इसमें H2O मॉलिक्यूल्स तो वो क्या करते हैं इनको इर्द गिर्द वो एक सराउंडिंग्स बना लेते हैं इनके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एफिनिटी है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स तो द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स तो सॉल्ट का जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है एन ए प्लस एंड सी एल माइनस पॉजिटिवलीगेटिवली चार्ज वो इसके इर्द गिर्द जुड़ जाते हैं क्योंकि वो उनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनकी तरफ वो जुड़ के ये क्या कर देते हैं इनको ब्रेक कर देते हैं इनके बॉन्ड्स को और आपको सॉल्ट जो होता है वो इसमें डिजोल्व हो जाता है वो आपका पोलर सॉल्वेंट है लेस पोलर सॉल्वेंट हो गया जिसमें डिजोल्व नहीं होते हैं जिनकी उतनी अट्रैक्शन नहीं होती है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की तरफ वो इतने स्टिकी नहीं होते हैं जितने पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिनसे वाटर जो स्टिक करते हैं आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के साथ ठीक अब जो फ्री फैट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करके भी सच एज पेट्रोलियम इथर एंड डाईथाइल इथर ठीक है जो बाउंड फैट है उनको पहले ब्रोक डाउन करते हैं हम बाय हाइड्रोलिस दैट मीन उनको एक्वि सोल्यूशन में एड करके और अदर केमिकल ट्रीटमेंट ताकि उसमें से हम फ्री फैट को निकाल सकें अब इसमें डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं फ्री फैट जो है कैन बी कन्वीनियंटली डिटर्मिन इन फूड्स बाय एक्सट्रैक्टिंग द ड्राइड एंड ग्राउंड मटेरियल विद पेट्रोलियम इथर वही हम पोलरलेस पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे पेट्रोलियम इथर और डाईथाइल इथर फ्री फैट को सैंपल से निकालने के लिए इसके लिए हम यूज करते हैं सॉलिड एक्सट्रैक्शन एक्सपे तो आप एपरेटिस का नाम याद रख लो इतना चलेगा ठीक है तो वो रिलीज करता है आपके फैट मॉलिक्यूल्स जैसे आपके फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ठीक है मैक्सिमम एट्रैक्शन जो है लेकिन जो आपको मैक्सिमम अगर एक्सट्रैक्शन करनी है फैट की तो उसके लिए आपको मिक्सचर यूज करना पड़ेगा पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का जो एक्सट्रैक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल कॉल्स द रिलीज ऑफ लिपोइडल सब्सटेंसेस बाउंड टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है तो ये आपका बाउंड वाला फैट होता है फ्री वाला फैट नहीं जो आपके जुड़े हुए होते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से अब अगर आपको बेस्ट एक्सट्रैक्शन चाहिए उसके लिए आपको लेस पोलर पोलर सोलवेंट को मिक्स करना होगा फिर आगे आपका सोलिबलाइजेशन एक्सट्रैक्शन मेथड इसमें क्या करते हो बाउंड फैट जो है कैन बी मेड फ्री इफ द फूड सैंपल इज डिजोल्व कम्पलीटली प्रायर टू एक्स्ट्रैक्शन विथ पोलर सॉल्यूट पहले क्या करोगे जो फूड है उसको कंप्लीटली डिजोल्व करोगे उसको एसिड में डायलूट करोगे डिजोल्व करने के लिए उसको सैम्पल को हीट करोगे विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड बॉयल फॉर थर्टी मिनट तो क्या हो जाएगा वो आपके सामने एक जो बाउंड फैट था वो किसी एक सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा फिर वहाँ से आप उसका फैट जो है फिल्टर पेपर यूज़ करके बाद में जो ऊपर प्रेसिपिटेट रह जाएगा फिल्टर पेपर पे, उसको वॉश करके ड्राई करके आप वहाँ से मेजर कर सकते हो कितना अमाउंट ऑफ फैट उसमें है तो इसके लिए भी सॉलिड एपरेटिस यूज होता है एल्कली हाइड्रोलिसन मेथड और दूसरा मेथड है इसमें आप क्या करते हो उसको रोज गिटलिप रोज गॉटलिप मैथड भी बोलते हैं मटीरियल को मैंने वहाँ कैसे एक्स्ट्रैक्ट किया था उसको एच सी एल में डाल के ठीक है उसके बाद उसको बॉइल करके थर्टी मिनट्स तक यहाँ पे आप उसको एक्स्ट्रैक्ट करते हो विथ अमोनिया एंड अल्कोहल इन कोल्ड ठीक है बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हमें डाईथाइल एथरोथरपेट्रोलियम इथर मिक्सचर ठीक है Tongue twister, जैसे लगते हैं ये नाम तो आपको क्या करना है इसमें याद रखना है आपको मेथड्स याद रखने हैं डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड सॉलिबलाइजेशन एक्सट्रैक्शन मेथड एंड वॉल्यूमेट्रिक मेथड तीन मेथड्स है आप टेबल बनाओगे इसमें सॉल्ट एक्सट्रैक्शन एपरेटिस का नाम लिखोगे एंड किस में आपने एच सी एल यूज किया एंड किस में आपने अल्कोहल एंड अमोनिया इन कोल्ड यूज किया किस मेथड में

एंड जो गर्बर मेथड है इज कॉमनली प्रोडक्ट्स। अगर डेली प्रोडक्ट्स में उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं गर्बर मेथड जब मेरी रिवीजन सीरीज चलेगी मैं आपको थोड़ा चार्ट फॉर्म में दिखाऊंगी की आपको टेबल फॉर्म में कैसे ये जल्दी लिखना है ताकि आपको ये आसानी से याद हो सके आ है क्रूड फाइबर एंड आपका डाइटरी फाइबर क्रूड फाइबर होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे वीट ब्रांड की एग्जाम्पल ले लो उसका जो बाहर का कवर होता है ना जो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा क्रूड दैट मीन्स इनजेस्टेबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए आप किसी जैसे हमने फ्रूट खाया ठीक है फ्रूट का आपने पल्प सारा खत्म किया फिर पार्ट ऑफ फ्रूट है जो आप डायरेक्टली नहीं खाओगे ऐसे ही जो आपकी बॉडी में अंदर सीधे जो है डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा दैट इज अ क्रूड फाइबर क्रूड फाइबर रिप्रेजेंट करता है सेल वॉल मटीरियल लेफ्ट आफ्टर बॉयलिंग विद डाइल्यूट एसिड एंड अल्कली ठीक है कोई भी जैसे आपने आपके पास फाइबर है आप क्या करोगे उसको क्रूड फाइबर है आप उसको बॉइल करोगे रेजिड्यू में एंड अल्कली में उसके बाद उसको ग्राइंड करोगे एंड उसमें से फैट रिमूव करोगे कैसे बॉयल करके उसको सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में बाद में उसको सेपरेट करोगे एंड उसका रेजिड्यू जो है वो अलग निकालोगे अब आपको क्या कर... यहाँ पे आपने क्या किया पहले सैम्पल को सैंपल को आपने पहले ऐसे करके ट्रीट किया फाइनली आपका जो है इनसॉलिबल रेजिड्यू अलग निकला उस रेजिड्यू को आप बॉइल करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ बाद में उसको सेपरेट करोगे वॉश करोगे ड्राई करोगे एंड जो रेजिड्यू बाद में आपका बच जाएगा वहां से आप देखोगे आपका क्रूड फाइबर जो है किस क्वांटिटी का उसमें प्रेजेंट है नेक्स्ट इज अ डाइट्री फाइबर देखो डाइट्री फाइबर जो है ये इसमें सारे टाइप्स ऑफ फाइबर आते हैं जो नेचुरली आपके फूड में मिलते हैं चाहे वो इनसॉलिबल फाइबर हो या सोलिबल फाइबर हो ठीक है और क्रूड फाइबर मैंने आपको कहा इंडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ दी आपके प्लांट फूड होता है जैसे आपका सेल्योज वगैरह इसकी भी एग्जाम्पल आती है सेल्युलज या आपका लाइन वगैरह और डायट्री होता है जो आपका एक ब्रॉडर टर्म है इसमें सारे टाइप्स ऑफ फाइबर आते हैं नेचुरली फाउंड इन आपके फूड्स में जिसमें सॉलेबल एंड इनसॉलेबल दोनों आएंगे ठीक है बॉडी इसको ईजिली कांट फुल्ली डाइजेस्ट दिस डायट्री फाइबर ऑल्सो लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एंड ओवरऑल वेल बींग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको दिखता है फ्रूट्स में वेजिटेबल्स नट्स सीड्स वगैरह में आपको ये मिलेगा यहां देखते हैं क्या लिखा है डायट्री फाइबर जो है माइक्रो कॉन्सिट्यूंट ऑफ फूड इसमें आता है जैसे आपके पॉलिगोसेकराइड हो गए ऑलिगोसेक्राइड हो गए पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं आपके बेसिकली आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बने होते हैं स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स से तो शुगर जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है आपके फ्रूट्स में ठीक है वो उसके एग्जाम्पल शुगर मॉलिक्यूल्स तो इसमें आपको मिलेगा सेल्यूलोस सेल्यूलोस होता है जो आपके सेल वॉल ऑफ द प्लांट होता है हेमी होता है जो आपके सेल वॉल्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ठीक है गम्स एंड म्यूसलेज होता है जो हेल्प करते हैं आपके प्लांट्स को वाटर रिटेन करने के लिए गम्स एंड म्यूसलेज वाटर रिटेन करने के लिए एंड पेक्टिन होता है जो थिकनिंग एजेंट होता है जैसे आप ये एक्स्ट्रा भी डाला जाता है फॉर एक्जाम्पल जैम्स एंड जेलीज में उनको थिक करने के लिए उसको हम पेक्टिन बोलते हैं ठीक है थीके? फिर आपका लाइन इन आता है ये रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ देते हैं आपके प्लांट्स को जो आपके वुडी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है जैसे आपके स्टेम्स एंड ब्रांचेस वगैरह एंड ऑलिगोसेक्राइड्स क्या हुआ ये आपके स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है एंड वैक्सेस होता है जो आपका लिपिड बेस सब्सटेंस होता है जो आपको सरफेस पे मिलेगा प्लांट के प्लांट के सरफेस पे एंड क्यूटिन एंड सुबरिन क्या हुआ क्यूटिन एंड सुबरिन ये भी बेसिकली आपका वैक्सी सब्सटेंस होता है जो आपको स्किन ऑफ द फ्रूट्स एंड बाक ऑफ ट्रीज पे मिलता है स्किन ऑफ फ्रूट्स ठीक है दे आर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन तो ये द्यूमन डाइजेस्ट नहीं हो जाते हैं बॉडी में बट इनके काफी ज़्यादा हेल्थ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसीलिए इन पे जो है वो काम होता रहता है जो तो डाइटरी फाइबर है सेपरेट करते हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फूड से बाय मींस ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस एंजाइमेटिक हाइड्रोलिस क्या होता है हम एक एंजाइम को यूज करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को इनटू मोर डाइजेस्टिडिब डाइजेस्टिबल कॉम्पोनेंट्स डाइजेस्टिबल कॉम्पोनेंट्स ठीक है जब वो ब्रेक हो जाएंगे उसके बाद जो डाइटरी फाइबर है उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फूड देखो टोटल डायट्री फाइबर है इसमें हम क्या करते हैं टोटल डायट्री फाइबर में हम पहले जो हमारा सैंपल होगा उसमें टोटल डाइट्री फाइबर में आपका सॉलेबल प्लस इनसॉलेबल दोनों प्रेजेंट होंगे उसको हम पहले जिलेटनाइज करेंगे जिलेटनाइज करेंगे उसको ट्रीट करके अल्फा एमाइलेज से ठीक है तो वो कैसे हम करेंगे बेसिकली जिलेटनाइज करना क्या हुआ आप जैसे चावल उबालते हो तो बाद में उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है ना सॉफ्ट एंड थिक टाइप का वो बन जाता है वो साथ साथ चिपके हुए होते हैं चावल के दाने उसको बोलते हैं जिलेटनाइज उसको जिलेटेइज करेंगे बाद में उस पर एंजाइम्स एक्ट करवाएंगे प्रोटीज़ एंड अमाइलोग्लूको स ठीक है उससे क्या हो जाएगा उसका प्रोटीन एंड स्टार्च रिमूव हो जाएगा फिर जो हमारे पास रेजिड्यू बच गया उसमें हम डालेंगे फोर वॉल्यूम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बाद में वो डालने के बाद हम उसको प्रेसिपिटेट करवाएंगे जो जोजिड्यू वहां से निकलेगा उसको फिल्टर करेंगे ठीक है उसके बाद उसको ड्राई करेंगे एंड रेजिड्यू का वेट करेंगे वो कितना हमें जो रेजिड्यू है वो कितना निकला है फाइन वन डुप्लीकेट इज एनाइज फॉर प्रोटीन एंड अदर इज इंसिनरेटेड एट फाइव ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इन एश इसमेंट तो जो हमारे पास रेजिड्यू रहा उसमें से हम प्रोटीन डिटर्मिन करेंगे ठीक है एंड एक को हम अगेन हीट करेंगे देखेंगे उसमें एश कंटेंट कितना प्रेजेंट है तो ये है टोटल डाइट्री फाइबर का फॉर्मूला मतलब उसका टेक्निक उसका फॉर्मूला आप याद रख लो वेट ऑफ रेजिड्यू माइनस वेट जो हमने प्रोटीन एंड एश देखा उसमें कितना है डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सैंपल इनटू हंड्रेड तो वहां से आपको निकलेगा टोटल डायट्री फाइबर इन परसेंटेज कितना है हम देख लो सॉलेबल डाइट्री फाइबर इसमें हमें क्या करना है हमें सिर्फ सॉलेबल वाला पार्ट चाहिए तो पहले रिमूव करना प्रोटीन एंड स्टार्च वहां तक प्रोसेस सेम है बाद में जो इनसॉलेबल है जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो जाएगा उसको हम फिल्टर करेंगे अलग ठीक है तो जो सॉलेबल पार्ट है उसको हम उसका एक फिल्ट्रेट बना लेते हैं ठीक है थीके? जो उसका प्रेजेंट होगा फिल्ट्रेट में इन्सॉलिबल अलग करके उसको हम प्रेसिपिटेट करवाएंगे कैसे प्रेसिपिटेट करवाएंगे बाय एडिंग 95 फाइव परसेंट इथाइल अल्कोहल टू द फिल्ट्रेट दैट मीन जो हमारे पास अब रह गया इन्सॉलिबल अलग करके जो हमारे पास फिल्ट्रेट बच गया उसको हम प्रेसिपिटेट करवाएंगे बाय एडिंग नाइन्टी फाइव इथाइल अल्कोहल ठीक है तो इसमें आपने केमिकल केमिस्ट्री लैब में किया होगा कैसे प्रेसिपिटेट करके उसको प्रेसिपिटेंट बनाते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म जैसा जो बन जाता है तो वो हमारा फाइनल आ, हमारे पास प्रेसिपिटेट आ जाएगा उसको फिल्टर वॉश करके ड्राई करके एंड वे करेंगे फाइनली हमारे पास कितना अमाउंट है देन अगेन वो प्रोटीन वाला स्टेप रिपीट करके एंड एश कंटेंट उसमें से रिमूव करेंगे हम बाय उसको हीट करके फाइव ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड ये उसका आप देख लेना फिर इंसॉलेबल डाइटरी फाइबर जैसे हमने पहले कहा था उसको क्या कर रहे हैं हमें इंसॉलेबल को पहले हमें अलग कर देना है वो फिर फिल्टर आउट करेंगे हम ठीक है उसके बाद उसको बेजर ड्राई करेंगे वार्म करेंगे देखेंगे वॉर्म वाटर के साथ उसको वॉश करेंगे ड्राई करेंगे एंड वे करेंगे देखने के लिए कि उसमें कितना इन्सॉलेबल फिल्टर है इनसॉलेबल डाइट्री फाइबर है जो हमने यहाँ तक स्टेप लाया था इन्सॉलेबल डाइट्री फाइबर को रिमूव करेंगे बाय फिल्टरिंग बाद में उसको मेजर करना है तो वो आपका इंसॉलेबल डायट्री फाइबर हुआ जब आपको सॉलेबल डायट्री फाइबर करना है इन्सॉलेबल निकाल के जो सॉलेबल पार्ट रह गया उसको प्रेसिपिटेट करोगे करवाओगे बाय एडिंग इथाइन अल्कोहल ठीक है बाद में जब वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसके बाद उसको दोोगे फिर थोड़ा ड्राई करोगे उसके बाद उसका वेट चेक करोगे फिर टोटल एश टोटल एश जो है ये इनऑर्गेनिक रेजिड्यू है रिमेनिंग आफ्टर द टोटल आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर को जब कम्पलीटली बर्न करते हैं उसके बाद जो इनऑर्गेनिक रेजेड्यू रह जाता है वो आपका एश है ये आपको बताता है प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी होगी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगा फूड प्रोडक्ट्स का ठीक है तो इसके लिए मेथड्स हैं ड्राई ऐशिंग ड्राई ऐशिंग में क्या करोगे ये मोस्ट स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी डिटरमिन करने के लिए एश कंटेंट जो सैंपल है उसको इग्नाइट करोगे टू फाइव हंड्रेड फिफ्टी टू सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ताकि ऑक्सीडाइज हो जाए सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स ठीक है उसके बाद जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यू है जो वॉलिटाइज नहीं हो जाता है दैट मीन जो इवापरेट नहीं होगा एट दैट टेम्परेचर उसको हम ऐश बोलते हैं बाद में वो देखोगे आप वो कितना है ठीक द एश कंटेंट इज डिटर्मेंड फ्रॉम द लॉस ऑफ वेट विच अकर्स फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द सैंपल जब आपके पास एक इनऑर्गेनिक रेजिड्यू बच जाएगा जो वॉलिटिलाईज नहीं हो जाएगा एट दैट टेम्परेचर उसको हम क्या बोलते हैं ऐश बोलते हैं तो वो ऐश में क्या कंटेंट है वो आप डिटर्मिन कर सकोगे कितना वेट उसमें लूज हो गया जब ये ऑक्सीडेशन जब आप वो बर्निंग प्रोसेस सैंपल की कर रहे थे तो वेट डिटरमिन करके आप सिंपली वो देख सकते हो अब इसके पास आपको कुछ मेथड्स हैं वेट एशिंग है, है ये हम यूज करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस के लिए कि उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके लिए आप क्या करोगे जो आपके पास कॉमनली एम्प्लॉयज कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड तो ये सब जब इसको एड करोगे अपने सैम्पल को वो रिलीज करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्य सैंपल मिनरल इन टू दोल्यूशन सैंपल आपने एसिड में डाला है इस एसिड को आप क्या इवेपरेट करवाओगे वॉलिटिलाईज करवाओगे और उसके बाद जो मिनरल्स उसमें रह गए हैं दे रिमेन डिजोल्व इन द नाइट्रिक एसिड फिर वहां से आपको क्या करना होगा वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करवाना होगा इस सोल्यूशन पे अगर कुछ भी सिलिका रह जाएगा उसको आप डिहाइड्रेट करोगे एंड उसको इनसॉलेबल बनाओगे ताकि वो आपके सॉल्यूशन में डिजोल्व ना हो जाए ये एक्सप्लोजिव भी हो सकता है इसलिए इसको आराम से करना है इस एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट इज योर एसिड इंसॉलिबल एश ये हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए कितना सैंडी मटेरियल दैट इज योर सैंड स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स होते हैं या क्या लिमिट हमें प्रेस्क्राइब करनी होती है फॉर द कॉम्पोनेट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हर्ब्स एंड स्पाइसेस उनकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होगी ना कि आप कितना कुछ उनमें डाल सकते हो तो वो हम एसिड इंसॉलिबल मेथड से देखते हैं ये कैसे हम डिटर्मिन uh, होता है डिजोल्व करवाते हैं हम ऐश को इन डायल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड में बाद में हम उसको फिल्टर पेपर पर पे निकालते हैं फिल्टर पेपर को ड्राई करोगे कूल करोगे उसके बाद उसको वेट चेक करोगे एंड देन इग्नाइट करते हैं हम फिल्टर पेपर को एंड कूल्ड cool, फिर उसको अगेन वे करते हैं तो हम देखते हैं कितना जो मास है इसका वो कम हो गया ठीक है उस मास से हम डिफरेंस इन द वेट जो होता है बिफोर एंड आफ्टर इग्निशन उससे हमें पता चलता है मास ऑफ एसिड इंसॉलेबल एश कितना था जब पहले आपने फिल्टर पेपर से एक बार उसको निकाला उसके बाद तब आप वेट चेक करोगे फिर फिल्टर पेपर को ड्राई करोगे उसको जलाओगे उसके बाद जो एश रेजिड्यू रह जाएगा उसका वेट चेक करोगे तो वहां से हमें पता चलेगा जो एसिड इनसॉलेबल एश है इसमें वो कितना था सल्फेटेड एश दिस इन्वॉल्व मॉइस्टनिंग द एश विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है उसके बाद उसको इग्नाइट करते हैं जेंटली टू कॉन्स्टेंट वेट जब तक एक वेट जो है वो अचीव हो जाएगा सल्फेटेड ऐश जो है गिव्स अ मोर रिलायबल एश फिगर फॉर सैम्पल कंटेनिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज तो इसमें आप ये की पॉइंट्स याद रख सकते हो वॉलेटाइल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के लिए हम क्या यूज करते हैं आपका सल्फेटेड ऐश फिर लास्ट है हमारा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन पॉसिबल होती है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होती है इसीलिए पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ता है रिड्यूसिंग शुगर में ठीक है तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेन आई नॉन वॉल्यूमेट्रिक मेथड उसमें हम क्या करते हैं हमारे पास एक फेलिंग सोल्यूशन होता है ठीक है जिसमें आपको वो सोल्यून है कॉपर सल्फेट का एंड रोशन सॉल्ट का जिसको हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं इसका सोल्यूशन है फेलिंग सोल्यूशन एटलीस्ट इतना तो याद रखोगे मेथड का नाम एंड कौन सा सोल्यूशन इसमें हमने यूज किया है इसमें हम क्या करते हैं अपना सैंपल डालते हैं जिसमें कोई शुगर कंटेंट है हमें देखना है उसमें कितना शुगर है ठीक है जब हम इस कंटेंट में डालेंगे इसका जो आयरन है वो प्रेसिप इसका जो कॉपर है सॉरी वो प्रेसिपिटेट हो जाता है इंटू क्यूपरस ऑक्साइड इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें देखना है जो हमारा अननोन शुगर सोल्यूशन है जिसका हमें क्वांटिटी डिटरमिन करनी है कितनी शुगर है वो हमें यूज करना है रिड्यूस करने के लिए फेलिंग सोल्यूशन को दैट मीन्स उसमें कितना टाइम लगता है उसको फेलिंग सोल्यूशन के कॉपर को क्यूप्रस ऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो हमें डिटर्मिन करेगा वहां से कि कितना शुगर इसमें प्रेजेंट है वो कैसे हमें पता चलेगा जब इन दो सोल्यूशन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ये आपके पास शुगर सोल्यूशन है ये आपके पास फेलिंग सोल्यूशन है इसको इसमें डालो जब इसका कलर मिथिलीन ब्लू जो है वो होना शुरू हो जाएगा दैट मीन इसका जो कॉपर है वो क्यूपरस ऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिंपल शॉर्ट ब्लू कलर मिथिलना लेन ए नॉन आई नॉन वॉल्यूमेट्रिक मेथड याद रख लेना एंड रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का वो ऑक्सीडेशन एंड विदाउट ऑक्सीडेशन याद रख लेना फेलिंग सोल्यूशन कलरमेट्रिक कलरिमेट्रिक मेथड होता है ये सिंपली हम क्या करते हैं पहले फूड सैंपल को क्लैरिफाई किया दैट मीन प्रोटीन एंड फैट रिमूव किया

स्टार्च के लिए हम यूज करते हैं एसिड मेथड एंड एंजाइम हाइड्रोलिसमिश मेथड एसिड हाइड्रोलिस मेथड होता है जिसमें हम शुगर को निकालते हैं आर आउट स्टार्च विद अल्कोहल हमारे पास एक सैंपल होगा जिसमें स्टार्च होगा उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे विद अल्कोहल उसमें हम अल्कोहल डाल देंगे ठीक है कॉन्सेंट्रेटर हाइड्रोक्लोराइड एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद क्या होगा जो स्टार्च है वो उसमें डिजोल्व तो नहीं हो जाएगा ना वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे जो रिजल्टिंग शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगा उसमें उसको डिटर्मिन करेंगे सो अब स्टार्च अलग हो गया ब्रेक डाउन हो गया उसमें से सिंपल शुगर अलग निकल गया वो देखेंगे हमें कितना शुगर है उसमें बाय टाइट्रिक मेथड एंड और कैलोरीमेट्रिक मेथड वो हमें पता चलेगा उस रिड्यूसिंग शुगर को हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट नाइन जीरो से वो हमें बताएगा उसमें स्टार्च कितना प्रेजेंट है फिर एंजाइमेटिक में क्या होगा शुगर्स आर रिमूव बाय लीचिंग विद अल्कोहल पहले फिर जो स्टार्च है इन रेजिड्यू उसको हम जिलेटनाइज करेंगे एंड उसको इंक्यूबेट करेंगे विद एमाइलोग्लूको जो हमने पहले भी शायद पढ़ा था ये अमाइलोग्लूको साइडेज एनजाइन वो कन्वर्ट करेगा स्टार्स को इनटू ग्लूकोस ग्लूकोज विच इज मेजर्ड एंजाइमेटिकली यूजिंग ग्लूकोक्सीडेज ठीक है तो उसको हम एंजाइम यूज करते हैं और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपली यहाँ पे एंजाइम यूज किया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बाद में एंजाइम से ही कैलकुलेट किया हमने कितना उसमें स्टार्च है एंड यहाँ पे हमने शुगर वाले पे जब शुगर में उसको ब्रेक डाउन किया तो हमने फॉमूला से कैलकुलेट किया कितना स्टार्च है ठीक है ओवरऑल जो है एंजाइमेटिक हाई मेथड इन्वॉल्व यूजिंग एंजाइम टू ब्रेक डाउन स्टार्च इंट ग्लूकोज विच इज देन मेजर टू डिटर्मिन स्टार्च कंटेंट दिस मेथड इज प्रेफर्ड इन सम केसेस यू टू स्पेसिफिसिटी थोड़ा स्पेसिफिक होता है एंड रिलायबिलिटी ज़्यादा है इसकी एज कंपेयर टू वर एसिड वाला मेथड तो यहाँ पे आपको जो मेजर पार्ट है इसका वो कंप्लीट होता है अगर आपको इसमें से कंसेप्ट चीज़ें समझ में नहीं आई डोंट वरी मैंने आपको कहा थोड़ा डिफिकल्ट है आई नो समझाना आप लोगों को भी एंड देन आप लोगों का ये समझना भी आई अंडरस्टैंड कोर केमिस्ट्री है उसके बाद ये क्या करना है आपको मैंने कहा फैक्चुअल चीज़ें सिर्फ है वो निकाल लो फिर रिविजन सीरीज में मैं आपको थोड़ा फैक्चुअल चीजें ही इसकी रिवाइज कराऊंगी कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं कराऊंगी दोबारा तो आपके लिए वहां से समझना ईजी हो जाएगा एंड यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं अगर मुझे लगा कोई और एडिशन इसमें आपके लिए जरूरी है तो वो मैं उसके लिए सप्लीमेंट्री नोट्स में वो डाल दूंगी ठीक है सो टिल द टाइम आप लोग न्यू वीडियो बी बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे